जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सुविधा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, साथ ही रसोई कर्मचारी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके मानदेय बढ़ोतरी संबंधित हो या आपके स्थायीकरण संबंधित, दोस्तों हम आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो सुविधा कर्मचारियों के लिए, साथ ही अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कई राज्यों में सुविधा कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही स्थायीकरण को लेकर भी खबरें आई है। क्या इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है स्थायीकरण का, कौन से राज्य में कब तक आपका स्थायीकरण होगा, साथ ही कब तक आपका जो भी बकाया मानदेय है वो आने वाला है, सभी राज्यों की सभी खबरें सुविधा कर्मचारी संबंधी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सुविधा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, साथ ही रसोई कर्मचारी संबंधित किसी भी राज्य की छोटी से छोटी खबर होती है, लगातार हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कौन से राज्य में जो सुविधा कर्मचारी कार्य करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि दोस्तों आपके राज्य की और आपके डिपार्टमेंट संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो हम आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सुविधा कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, पढ़े पूरी जानकारी। यानी दोस्तों में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सुविधा कर्मचारियों के लिए क्या अच्छी आपकी खबर आई है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी में काम करने वाले सुविधा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आगामी समय में नियमित सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया में सुविधा कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यह सहमति सरकार की मध्यस्थता में बिजली कंपनी और बिजली कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक में बनी है। राज्य में बीते सालों में बिजली कंपनियों ने सुविधा कर्मचारियों को सेवाओं से पृथक कर दिया था, इससे शेष सुविधा कर्मचारियों में असंतोष था। इन कर्मचारियों की बहाली की अरसे से मांग चल रही थी। MP यूनाइटेड फॉर्म पावर एम्प्लॉई एंड इंजीनियरिंग के संयोजक VK सिंह परिहार ने IANS को बताया कि कंपनियां और कर्मचारी संगठन के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि बिजली कंपनियों द्वारा सेवा में अलग किए गए सुविधा कर्मचारी को फिर से सेवा में रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो निर्णय करने वाली है। इसके साथ ही सरकार की ओर से बिजली कंपनी से कहा गया कि किसी भी सुविधा कर्मचारी के विरुद्ध बगैर जांच कार्रवाई नहीं की जाएगी। वही सभी सुविधा कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती करने के संबंध में विचार किया जाएगा। परिहार ने कहा कि बिजली कंपनियों में 6,000 से ज़्यादा सुविधा कर्मचारी कार्य करते हैं। आगामी समय में बिजली कंपनियों में अधिकारियों की नियमित भर्ती की प्रक्रिया में सुविधा कर्मचारी को 30% पद आरक्षित होंगे, यानी 100 में से 30% जो भी बिजली विभाग में आपकी वैकेंसी आएंगी उसमें सुविधा कर्मचारी के लिए रिजर्व होंगे, जबकि पूर्व में ये 25% था। वही कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में सुविधा कर्मचारी को 50% पदों पर मौका दिया जाएगा, जबकि अभी 40% पद पर है कर्मचारियों के लिए पद है वो होते हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रियवंत सिंह की उपस्थिति में शनिवार को इस बैठक में तय किया गया कि सुविधा कर्मचारी के वेतन में नियमित कर्मचारियों के सम्मान हर साल 3% की बढ़ोतरी होगी। अभी तक 1% राशि की बढ़ाई जाती थी, साथ ही सुविधा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा भी है वो मिलने वाली है। अगर बात करें नेक्स्ट, एक मुश्त मानदेय के लिए विधायक सरयू राय से मिले KU के शिक्षक, यानी KU के शिक्षक हैं उन्होंने, जो भी सरयू राय विधायक है वहां के उनसे मिले हैं कि सभी सुविधा कर्मचारी को मानदेय एक मुश्त में है वो दिया जाए। कोलानी विश्वविद्यालय KU में सुविधा कर्मचारी आधारित शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को विधायक सरयू राय से उनके वृष्टपुर स्थित आवास पर मिला। इस दौरान शिक्षकों ने विधायक सरयू राय को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की गई, इसके लिए विज्ञापन निकाला था जिसमें कहीं भी घटी आधारित शिक्षक शब्द नहीं है, इसके बाद जोड़ दिया गया है। इसके चलते सुविधा कर्मचारी सुविधा आधारित शिक्षकों को UGC द्वारा दिए जाने वाला एक मुश्त मानदेय 57,700 रुपये का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को अपील की कि सुविधा आधारित शिक्षकों की है वो समस्या को सरकार के समक्ष है वो रखे। अगली खबर है राजस्थान से। अस्पताल में सुविधा पर लगाए 32 GNM, निदेशालय ने GNM को अभी 3 माह के लिए प्रोविजन पर लगाया है। नर्सिंग स्टाफ से जूझ रहे जिले के अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत 32 GNM सुविधा पर लगाए गए हैं। NHM निदेशालय की ओर से इन GNM की अभी 3 माह के लिए प्रोविजन पर रखा गया। इस कार्यालय के दौरान इनकी सेवाएं संतोषजनक रही तो भारत सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष तक लगातार कर सकती है। साथ ही
नवनियुक्त जीएनएम को जिले के विभिन्न अस्पतालों में नियुक्ति की गई है। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एनएचएम निदेशालय ने सुविधा के आधार पर नर्स ग्रेड सेकंड को 3 माह के लिए नियुक्ति दी है। इन्हें जरूरत के हिसाब से जिले के विभिन्न अस्पतालों में लगाया जाएगा। साथ ही इनमें मनोज पटेल, सोनू आदि को लोगों को है इसमें लगाया गया है। साथ ही अगर बात करें हम राजस्थान के सुविधा कर्मचारियों के लिए, तो दोस्तों यहाँ हम लगातार आपको न्यूज दे रहे हैं कि कभी भी आपको है यहाँ जो भी आपका स्थायीकरण है उसको लेकर खबर आ सकती है। साथ ही यही आपकी रहने वाली है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लगातार इन दोनों राज्यों के बारे में बता रहे हैं। और बात करें हम बिहार की स्पेशली, क्योंकि बिहार में आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी वजह से वहाँ हैं सुविधा कर्मचारियों के लिए कुछ घोषणा हो सकती है। जो भी आपके लिए न्यूज होगी दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी राज्य की होगी, हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।